नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब इमरजेंसी के वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड के लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें मिलने वाली सारी सुविधाएं अस्पताल प्रशासन मुहैया कराएगी। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती होगा वह आयुष्मान भारत मित्र के पास जाकर अपने लाभार्थी होने का सत्यापन कराएगा। इसके बाद ही भर्ती मरीज के इलाज की आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, मार्च के महीने से जब से कोविड-19 का संक्रमण स्टेज वाइज स्टेज बढ़ता चला गया, उस समय से लगभग सभी इस प्रकार की जो भी सुविधाएं हमें अपने मरीजों को देनी थी उस पर से ध्यान थोड़ा सा हट गया, क्योंकि कोविड-19 को ही मेंटेन करना सबके लिए एक चैलेंज का विषय हो गया था। अब धीरे धीरे स्थिति कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन अब कम हो रहे हैं, सूचना रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि यह कमी आगे एक तेजी पकड़ने की पहले का समय हो, इसीलिए सतर्कता नहीं खोनी है। जहाँ तक आयुष्मान भारत के बारे में बात है, इस संबंध में हमने यहाँ के जो हॉस्पिटल के मैनेजर हैं उनको आयुष्मान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। हर भर्ती मरीज जो भी भर्ती होगा वह आयुष्मान मित्र के पास वह फाइल ले जाएगा अपना, और ये नोटिंग लगवाएगा कि वो आयुष्मान भारत का लाभार्थी है या नहीं है। यदि लाभार्थी है तो पूर्ण सुविधा दी जाएगी। ऐसा भी हो रहा है कि लाभार्थी होते हुए भी जल्दी में वो भर्ती करा लेते हैं, इलाज करा लेते हैं, इलाज करके चले जाते हैं, और उनको आयुष्मान लाभार्थी की सुविधा, दवा तो हम लाभार्थी होते तो भी करते, नहीं होते तो भी करते, लेकिन जो इंश्योरेंस का पैसा हमने इस कंपनी को दे दिया है उस इंश्योरेंस का पैसा हमारे सरकार को वापस नहीं आ पा रहा है। इसलिए मेरा ध्यान इस समय बहुत अधिक है कि जो भी मरीज भर्ती हो ये निश्चित हो जाए कि आयुष्मान भारत का लाभार्थी है या नहीं है, ये लिखकर आयुष्मान मित्र अपने दस्तखत करेंगे, तब उस मरीज का आगे ऑपरेशन या इलाज जो भी चिकित्सक देख रहा होगा विशेषज्ञ वो करेगा। कोई 2 बजे के बाद इमरजेंसी में भर्ती होता है, उस समय आयुष्मान मित्र रहते हैं शाम तक, वहाँ भी चेक हो जाएगा। यदि मरीज की हालत ऐसी है कि वो खुद जाने लायक नहीं है या उसके साथ ऐसा कोई अटेंडेंट नहीं है तो हमारे वहाँ पर कागज वार्ड बॉय कर्मचारी जाकर आयुष्मान मित्र के बाद ये कन्फर्म करेंगे कि आयुष्मान भारत का लाभार्थी है कि नहीं है। कुल मिला के मुझे ये कहना है कि हर भर्ती मरीज के बारे में निश्चित हो जाए कि आयुष्मान भारत का लाभार्थी है या नहीं।